हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी रियलमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आपको जो है वहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ रही है डबल टैप स्क्रीन को लेकर, तो ये वीडियो आप ही के लिए मैं बना रहा हूँ। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कैसे कर सकते हो। तो यहाँ से जो है जो नए फ़ोन लेते हैं रियलमी के, उनको इस बारे में पता नहीं होता है और वो परेशान रहते हैं यार कौन सा ऑप्शन होता है वो, जो हम यहाँ पर जो है डबल टैप करके अपनी स्क्रीन को ऑन कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आप से इसे समझ नहीं पाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें दोस्तों सबसे पहले अपनी मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। तो यहाँ से मैं अपनी मोबाइल की सेटिंग को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी सेटिंग में आ चुका हूँ। अब यहाँ से आपको जो है ये देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कन्वेंशन का, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा मेंशन, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन ऑफ, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर आ जाते हैं। और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन ऑफ, तो यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का ये इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो है डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन को यहाँ पर जो है इसको ऑन कर देना है। अभी यहाँ पर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर देना है। तो यहाँ पर हम इसको जैसे ही ऑन करते हैं, अब यहाँ पर जो है हमारी स्क्रीन जो है ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही हम यहाँ पर जो है डबल टैप करेंगे तो हमारी स्क्रीन जो है ये ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों, आप रियलमी के मोबाइल में यहाँ से जो है डबल टैप स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।